मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों, मुझे काफी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बताएं कि किस तरह हम लैपटॉप या कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के मल्टीपल अकाउंट्स किस तरह यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोबाइल में हम मल्टीपल अकाउंट्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप में किस तरह ऐड कर सकते हैं वो बताया था। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लैपटॉप या कंप्यूटर पर किस तरह मल्टीपल अकाउंट यूज करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव वे एयरपोर्ट 2 का, जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री में एयरपोर्ट 2 को जीत सकते हो। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए कीजिए पार्टिसिपेट और जीतिए इनाम एयरपोर्ट 2 का। तो आपको उस वीडियो को मैक्सिमम करना होगा शेयर ताकि जल्दी से मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं और आप जीत पाओ एयरपोर्ट 2। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं मल्टीपल अकाउंट्स किस तरह लॉगिन कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट को किस तरह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर यूज कर रहे हो उसमें ये कोई फीचर नहीं है कि आप एक से ज्यादा अकाउंट ऐड कर पाओ। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास ब्राउजर होते हैं क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी, आपके पास जो जो ब्राउजर है उसमें अलग अलग ओपन करके आप यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं पहले फायरफॉक्स खोल लेता हूँ। तो इसमें मैं teams.microsoft.com टाइप करता हूँ। तो देखिए, ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट टीम के अकाउंट के लिए यूजर आईडी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर जाके अपनी यूजर आईडी दे देता हूँ। और नीचे से साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ और नीचे से साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मेरा जो एक अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं यूज वेब ऐप इंस्टेड पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे ब्राउजर पर यूज करना चाहता हूँ, ऐप पर यूज नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर नीचे देखिए यूज दी वेब ऐप इंस्टेड, तो आप भी इस पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए, ये मेरा एक अकाउंट खुल चुका है। तो इसी तरह से आप अपने दूसरे अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पर देखिए दूसरा ब्राउजर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना क्रोम ब्राउजर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी पहले से और अकाउंट खुला हुआ है, तो देख लीजिए ये मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पर ये मेरा एक अकाउंट है और फायरफॉक्स में मैं खोलूँ तो ये देखिए मेरे पास ये मेरा दूसरा अकाउंट है। तो इस तरह से आप सफारी या फिर और भी कई ब्राउजर्स हैं, ओपेरा मिनी और बहुत सारे ब्राउजर्स आ रहे हैं, आप उनमें अलग अलग करके ओपन कर सकते हो। एक साथ एक ही कंप्यूटर पर अलग अलग ब्राउजर यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी सारी इंफॉर्मेशन आपको किस तरह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन करना है मल्टीपल अकाउंट से। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जेन्युइन में अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाने की कोशिश करता रहता हूँ। और जाते हुए सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल के आइकन को दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। और जाते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।